Hello students and welcome back to my channel once again. In today's video, we are going to continue the chapter Human Health and Disease with lecture number 5. इससे पहले already 4 lectures इस chapter के uploaded हैं. अगर आपने वो videos नहीं देखी हैं, तो description box के अंदर Human Health and Disease chapter की playlist का link already given है. आप जाकर के उन्हें जरूर देखें और अपने basic concepts को clear करें. First of all, I am very sorry that I am not being regular on this channel. आपको videos regular नहीं मिल पा रही हैं, but उसका एक रीज़न है दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल और इसी वजह से आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड वीडियोज़ रेगुलरली. बट अब से आपको वीडियोज़ रेगुलर मिलेंगी. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि किसी भी सर्कमस्टेंस में वीडियोज़ ना रुकें, रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलती रहें ताकि आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की रुकावट ना आए. लेकिन अगर किसी भी रीज़न से वीडियोज़ रेगुलर नहीं हो पाती हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा बड़ा गैप ना हो वीडियोज़ में. एक दिन छोड़ के अगले दिन वीडियो ज़रूर आ जाया करें. सो प्लीज़ सपोर्ट करें, अपना सपोर्ट दिखाएं इस चीज़ में भी. एंड आई एम अगेन वंस अगेन वेरी सॉरी कि मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पाई इतने दिनों से, लेकिन अब वीडियोज़ रेगुलर आएंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. बेसिकली सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं, राइट? इससे पहले हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से, किस पैथोजन की वजह से, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें डिजीज़ हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं. लेकिन ये बात बिल्कुल सच है दैट एवरी डे इज़ लाइक अ फाइट फॉर अवर बॉडी. हमारी बॉडी हर दिन एक युद्ध लड़ती है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से हमें सेव करता है. ठीक है, हर दिन हम लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उनको हमारे शरीर के अंदर नहीं आने देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है. सो इसलिए हम कहते हैं दैट एवरी डे इज लाइक अ फाइट इनसाइड अवर बॉडी. अब मैं आपको इतना इसके बारे में क्यों बता रही हूँ, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्यूनिटी. सबसे पहले वो बच्चे जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. बिकॉज इस चैनल पे मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद द बेस्ट नोट्स पॉसिबल फॉर योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन. ओके, सो आई होप आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया है. सो बेसिकली हमारे पास दो तरीके की इम्यूनिटी होती है. फर्स्ट इज अडैप्टिव इम्यूनिटी, सेकंड इज इननेट इम्यूनिटी. देखिए बेसिकली जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव और पैसिव से आप अपने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ोगे, लेकिन उनका एक और नाम होता है अडैप्टिव और इननेट इम्यूनिटी. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ होती है, ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है हमारे अंदर, उसे हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी. क्या कहते हैं? इननेट इम्यूनिटी. और ऐसी इम्यूनिटी जिसको हम कह सकते हैं कि बेसिकली हम थ्रू वैक्सीन, थ्रू इन्फेक्शन या फिर इन सब बॉडी के सिक्रीशन के थ्रू हम लोग उसे सीखते हैं. पहले से वो हमारे पास नहीं थी. अगर किसी पैथोजन ने हमारी बॉडी पर अटैक किया तो पहली बार में हम बीमार पड़ेंगे, राइट? लेकिन उसके बाद जब वही सेम पैथोजन वापस से हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करती है, हमारी बॉडी डटकर उसका सामना करती है और बीमार नहीं पड़ती है. उसे हम कहते हैं अडैप्टिव, यानी कि हमने अडैप्ट किया है एनवायरनमेंट को, आसपास हो रही चीज़ों को. ठीक है, सो ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमारे पास होती है उसे हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी. और ऐसी इम्यूनिटी जिसको हम सीखते हैं थ्रू वैक्सीन, थ्रू इन्फेक्शन हमारी बॉडी सीखती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या? अडैप्टिव इम्यूनिटी. क्लियर आपको? बिल्कुल. उसके बाद अब इसके अंदर भी दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव के अंदर भी और पैसिव के अंदर भी. देखो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी यहाँ लिखा हुआ है ना, ये जनरली होता क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स हमारी बॉडी खुद इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है. एक्टिव इम्यूनिटी को अगर हम कहें तो इसका मतलब है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवली काम करता है, माइक्रोब्स को पहचानता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है और ये वैक्सीनेशन के थ्रू होता है. ठीक है, किसी भी तरीके का वैक्सीनेशन अगर हमें दिया गया है तो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर पैथोजन से लड़ेगी और हमारा पूरा इम्यून सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होगा. ठीक है, वो हमें बचाएगा. क्लियर? ये हुआ एक्टिवली इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें हमारी पूरी बॉडी खुद इन्वॉल्व हो रही है इम्यूनिटी में. उसके बाद आता है पैसिव इम्यूनिटी. ये क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि अब आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो वैसी कंडीशन में बाहर से बने बनाए एंटीबॉडीज दिए जाते हैं. क्या किए जाते हैं? एंटीबॉडीज दिए जाते हैं. अब देखो नेचुरली अगर मैं बात करूं, अब इननेट इम्यूनिटी तो बाय बर्थ प्रेजेंट है,
ठीक है, बचपन से हमारे पास है, हमने अलग से कुछ नहीं लिया है इसके लिए, तो इसके टाइप्स नहीं होंगे यहाँ पे। लेकिन जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, जिसको हमारी बॉडी धीरे धीरे सीखती है, उसमें क्या है, दो तरीके हैं, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा नेचुरल में आपका आएगा कि थ्रू इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अगर पैसिव की बात करें, पैसिव का मतलब क्या था कि हम बाहर से बने बनाए एंटीबॉडीज को लेके आते हैं, और वो एंटीबॉडीज कैसे आएंगे, देखो पैसिव बाहर से लेके आएंगे। अब मैटरनल लिखा हुआ है, मैटरनल का मतलब मदर से, ठीक है, मैटरनल का मतलब मदर से हमें मिल रहे हैं, जो यानी कि थ्रू मिल्क, राइट, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, जो बेबी मिल्क लेता है, उस टाइम पे एक छोटा बेबी जो है उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, और उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है तो उसको इम्यूनिटी की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि इन्फेक्शन उसको हो सकता है, तो वो इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करेगा, मदर, और मदर कैसे करेगी, थ्रू मिल्क, ठीक है, मैटर्नल तरीके से, और मिल्क से, मिल्क क्योंकि बाहर से आ रहा है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज भी आएंगे, तो एंटीबॉडीज बाहर से लिए गए हैं तो इसे हम कहेंगे पैसिव, ठीक है। और उसके बाद नेचुरल तरीके की अगर इम्यूनिटी की बात करें तो यानी कि एक्टिव तरीका, एक्टिव का मतलब क्या था, जिसमें हमारी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो, तो इन्फेक्शन हुआ, पहली बार हमारे इम्यून सिस्टम ने उस पर रिएक्ट किया, थोड़ा लो तरीके से रिएक्ट किया, लो रिस्पॉन्स दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो बीमारी हुई तो हमारे इम्यून सिस्टम ने वो बीमारी नहीं होने दी, उसको वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये हो गया एक्टिव तरीका। आपको एक बात क्लियर है ना, आप बस लिख लो, इतना सा लिख लो कि एक्टिव का मतलब है हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है, हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है, और पैसिव का मतलब है बाहर से एंटीबॉडीज लाते हैं, बाहर से कुछ एंटीबॉडीज लाएंगे और इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, क्लियर। अब जो आर्टिफिशियल तरीके की इम्यूनिटी है जो हम सीखते हैं वो क्या है, पहला एंटीबॉडी ट्रांसफर करना, मेडिसिन वगैरह लेना, ये बाहर से आएंगी मेडिसिन वगैरह। दूसरा एक्टिव यानी कि इम्यूनाइजेशन करना, ठीक है, क्या करना, इम्यूनाइजेशन करना, क्लियर, क्लियर है बिल्कुल, यानी कि इन्फेक्शन हो गया उसको देखना, ये सब तरीके की चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी। तो चलिए अब हम आते हैं हमारी एनसीईआरटी पे। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। एक्टिव मतलब, एक्टिव का मतलब हमारी पूरी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली इन्वॉल्व है, वो उस इन्फेक्शन से लड़ेगा, तो वो हो गया एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब बाहर से एंटीबॉडीज लाई जाएंगी, बाहर से इम्यूनिटी मंगाई जाएगी, क्लियर है बिल्कुल। तो एवरीडे वी आर एक्सपोज, अब करते हैं शुरू एनसीईआरटी को। एवरीडे वी आर एक्सपोज टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, हर दिन हम बड़ी अमाउंट में इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ते हैं, जबकि हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर्स रिजल्ट इन डिजीज, जबकि इनमें से कुछ ही डिजीज कर पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, वाई ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास इम्यून सिस्टम है जो हमारी सुरक्षा करता है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अटैकर्स, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पैथोजन। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स, क्लियर। नाउ दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारी बॉडी कई सारे बाहरी एजेंट से अपने आप को बचाने का अरेंजमेंट रखती है और बचा भी लेती है, यानी होस्ट के पास, ठीक है, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, होस्ट के पास एबिलिटी होती है कि वो बीमारियों से फाइट कर सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन को रोक सकता है, और इसी चीज को कौन रोकता है, इम्यून सिस्टम रोकता है, इसीलिए इस चीज को हम कहते हैं इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। नाउ इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, लिखा भी हुआ है, इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, इम्यून सिस्टम, ठीक है, जो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्लियर। चलिए अब एक एक करके इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे आते हैं। सबसे पहले इननेट इम्यूनिटी को जानते हैं कि, अब देखो इतना तो आपको समझ में आ गया कि इननेट और एक्वायर्ड यानी कि अडैप्टिव इम्यूनिटी में क्या, इननेट जो बचपन से हमारे साथ रहती हैं, बाय बर्थ हमारे पास हैं, ठीक है, और अडैप्टिव कौन सी होती है, जो हम अडैप्ट करते हैं, ठीक है, जो हम सीखते हैं, हमारी बॉडी सीखती है। अगर एक इन्फेक्शन हो गया, चिकन पॉक्स है, आपको हो गया पहली बार में, आपको चिकन पॉक्स हो गया, उसके बाद लाइफ में कभी वापस चिकन पॉक्स नहीं होगा, क्योंकि बॉडी सीख गई है, बॉडी को समझ में आ गया है कि ये पैथोजन बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इम्यून सिस्टम उस नेक्स्ट टाइम जब वो पैथोजन अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट। तो ये हो गए
इननेट डिफेंस जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं. अब इननेट इम्यूनिटी किस टाइप में प्रेजेंट होती है? सबसे पहले सरफेस बैरियर्स, स्किन एक बहुत बड़ा बैरियर है. कुछ बैरियर्स हैं, देखो चार बैरियर्स हैं, चार में से फर्स्ट सरफेस, सेकेंड इंटरनल, तीसरा ह्यूमरल इम्यूनिटी, चौथा सेल्युलर इम्यूनिटी. ठीक है, तो इननेट के अंदर आते हैं दो तरीके के बैरियर्स. पहला सरफेस, यानी कि बाहरी रूप से स्किन जो है वो हमें काफी सारे इन्फेक्शन से बचाती है, काफी सारे पैथोजेंस की एंट्री को रोकती है. उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द इन्फेक्शन. उसके बाद जो इंटरनल डिफेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम चल रहा है वो क्या क्या है, जैसे कि फेगोसाइट्स का प्रेजेंट होना, ठीक है, एनके सेल, इन्फ्लामेशन होना, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स का बनना, ठीक है, और फीवर आना. फीवर आना कोई बुरी बात नहीं है, हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है ताकि जो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है वो उस बढ़े हुए टेम्परेचर में सर्वाइव ना कर पाए और वो मर जाए. ठीक है, तो इसलिए फीवर आता है, तो ये भी एक तरीके का डिफेंस सिस्टम ही है, राइट. उसके बाद अडेप्टिव डिफेंसेस, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, इसके अंदर होती है दो तरीके. पहला ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल का मतलब ही होता है ब्लड, यानी कि लिक्विड, ठीक है, तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है वो होती है बी सेल, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू. उसके बाद सेलुलर इम्यूनिटी, जो सेल्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है वो है टी सेल्स के थ्रू, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू. अब इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बस आप इतना जान लीजिए कि ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि लिक्विड के अंदर, ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट इम्यूनिटी मिलती है वो मिलती है थ्रू बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और जो सेल्स के थ्रू इम्यूनिटी मिलती है वो मिलती है थ्रू टी लिम्फोसाइट्स. क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं इननेट इम्यूनिटी के साथ. इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस. जो इननेट इम्यूनिटी होती है वो किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए नहीं होती है, क्लियर, दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो कि बाय बर्थ ही प्रेजेंट है हमारे अंदर. उसके बाद दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इन टू अवर बॉडी. अब जैसे कि मैंने बीसीजी का वैक्सीन लगवाया, बीसीजी का वैक्सीन लगवाया जो कि किसके लिए होता है, टीबी के लिए होता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, तो ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ टीबी के लिए ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा. तो ये हुआ स्पेसिफिक, ये कैसा हुआ, स्पेसिफिक इम्यूनिटी हुई. लेकिन हमारी स्किन, म्यूकोसा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, ये सब इंफेक्शन के साथ फाइट करते हैं, ठीक है, ये सब इंफेक्शन के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं. तो ये हुए नॉन स्पेसिफिक, किसी एक इंफेक्शन को नहीं देख रहे हैं, ये ओवरऑल सारे इंफेक्शन से फाइट करने की कोशिश करते हैं. सो इस इम्यूनिटी का काम करने का तरीका जो है वो ये है कि इसने कुछ बैरियर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, कुछ बैरियर्स प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि ये जो फॉरेन एजेंट्स हमारी बॉडी में जो हैं वो एंटर ना कर पाए, बाहर के कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर ना करें. सो इननेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप ऑफ बैरियर, चार तरीके के बैरियर्स हैं इसमें, चार तरीके के बैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं. वो क्या क्या है, सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर. सबसे पहले क्या आएगा, द फिजिकल बैरियर. नाउ फिजिकल बैरियर में क्या आएगा, सबसे पहले स्किन ऑन अवर बॉडी इज द मेन बैरियर. हमारी बॉडी पे जो स्किन है वो मेन बैरियर है विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली चीज तो फिजिकल मतलब जो सरफेस पे प्रेजेंट है, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हमारी जो स्किन है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को रोकती है. काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी स्किन को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते, स्किन के अंदर ही नहीं जा पाते, जिसकी वजह से उनकी एंट्री जो है वो ब्लॉक हो जाती है और एक तरीके का बैरियर हमारी बॉडी को मिल जाता है. उसके बाद म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथीलियम लाइनिंग, द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग अवर बॉडी. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी म्यूकोजा होता है, हमारे यूरोजेनाइटल सिस्टम में भी क्या होता है, इंटरनल म्यूकोसा प्रेजेंट होता है. क्लियर है, यानी होता है ना प्रेजेंट. उसके बाद हमारे माउथ के अंदर भी म्यूकोसा होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी म्यूकोसा होती है. तो जहां भी सरफेस ओपन है वहां म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट है. अब म्यूकोसा में कई बार लाइसोजाइम होते हैं, ये कई इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं. तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सभी आते हैं फिजिकल बैरियर में. क्लियर, अब आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में. फिजिकल बैरियर सरफेस वाले बैरियर्स थे, ठीक है, जो कि बाहर से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोक रहे थे. अब आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में. फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आएगा, एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम द आईज, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ. देखो एसिड इन द स्टमक का मतलब क्या है,
स्टमक के अंदर जो एसिड होता है वो एसिड आपके फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उन सबको एसिड मार देता है। क्लियर है? नहीं है? उसके बाद इसलिए एक तरीके का फिजियोलॉजिकल बैरियर है। देन आते हैं सलाइवा इन द माउथ। ये कैसे माइक्रोब की ग्रोथ को रोकता है? मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं लाइजोजाइम्स। क्लियर? उसके अंदर सिक्रेटरी एंटीबॉडी एंटीबॉडी होता है, और वो कौन सा एंटीबॉडी होता है सलाइवा में? IgA। क्लियर? ये क्या होते हैं? ये जनरली बैक्टीरिया को मारते हैं। क्लियर? उसके बाद टीयर्स फ्रॉम आईज, आंखों से निकलने वाले जो आंसू होते हैं वो भी एक तरह से आई का प्रोटेक्शन करते हैं, ताकि बैक्टीरिया या यानी कि माइक्रोब उस पे ग्रो ना करे। ठीक है? तो सो दे ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। क्लियर है? उसके बाद सेल्यूलर बैरियर्स पे आते हैं। सर, अब कुछ सेल्स की बात करेंगे। सो सेल्यूलर टाइप ऑफ बैरियर्स में क्या आएगा? सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, अलग अलग तरीके की ल्यूकोसाइट, जैसे कि WBC व्हाइट ब्लड सेल होती है हमारी बॉडी की। अब उनमें क्या क्या आ जाएगा? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL तो आप याद ही रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म तो याद रखनी है, लेकिन इनको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है? सो बेसिकली हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रोब को हमारी बॉडी में आने पर ही उन्हें क्या करते हैं? खा जाते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेल्यूलर बैरियर्स। क्लियर? जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल है, जैसे कोई माइक्रोब एंटर होगा ये उसे खा जाएंगे, राइट? ऐसे ही सेम PMNL यानी कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के साथ होता है, जिसको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। ये भी जैसे ही कोई पैथोजन, कोई भी माइक्रोब एंटर करेगा बॉडी में तो उसे खा जाएंगे। तो ये कौन कर रहे हैं? ये सेल ही ऐसा काम कर रहे हैं। तो जब सेल ऐसा काम करते हैं तो इन्हें कहते हैं सेल्यूलर बैरियर। ठीक है? कुछ मोनोसाइट्स और कुछ नेचुरल किलर, जैसे कि कुछ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट जो है, जो हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, एज वेल एज मैक्रोफेज इन टिश्यूज, जैसे कि कैन फेगोसाइटोस साइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब। इसका मतलब ये है कि ये सब जो है बेसिकली डिस्ट्रॉय करते हैं, खा जाते हैं माइक्रोब्स को। नाउ साइटोकाइन बैरियर क्या है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होती हैं वो इंटरफेरॉन्स नाम की प्रोटीन को सिक्रीट करती हैं, और ये फिर आसपास के सेल को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ठीक है? विच प्रोटेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, ये कुछ सेल्स हैं। ठीक है? ये कुछ सेल हैं। अब क्या हुआ कि एक एक तरीके से, वेट अ सेकेंड, अगर यहां पर एक वायरस आया, ठीक है, एक वायरस आया और उस वायरस ने इस वाले सेल पर अटैक कर दिया। अब ये सेल तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन इससे निकलेगा कुछ केमिकल, कुछ प्रोटीन्स निकलेंगे, और वो प्रोटीन क्या होंगे? वो होंगे इंटरफेरॉन्स। और ये इंटरफेरॉन जब इससे निकलेंगे ना, तो ये बाकी के सेल्स को एक तरीके से इसकी लेयरिंग कर लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, ताकि ये वाला सेल तो वायरस के इन्फेक्शन से मरा ही मरा है, लेकिन बाकी के जो सेल हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है? बाकी के सेल्स जो हैं वो बच सके, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली एक केमिकल रिलीज किया, प्रोटीन रिलीज किया, जिसे हमने कहा इंटरफेरोन्स। क्लियर है? तो अब आपको पता रहेगा ना, ये हुआ साइटोकाइन बैरियर। देखो सेल्यूलर बैरियर का मतलब है पूरा सेल उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सेल उस पैथोजन को, उस माइक्रोब्स को खा जा रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। लेकिन साइटोकाइन का मतलब है, साइटो मींस सेल से रिलेटेड है, राइट? तो साइटोकाइन बैरियर का मतलब है कि सेल से कुछ ऐसी चीज सिक्रीट होती है, कुछ ऐसे प्रोटीन, कुछ ऐसे सिक्रीशन निकलते हैं, जिसकी वजह से हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपनी बॉडी को, उस इन्फेक्शन से अपने आप को बचा पाते हैं। क्लियर है? तो इंटरफेरॉन्स वर्ड को आप कभी नहीं भूलेंगे। इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन वो प्रोटीन होता है जो कि कब एक सेल से निकलता है, जब उसको एक वायरस इन्फेक्ट करता है। क्लियर है? ताकि वो दूसरे सेल्स को बचा सके, राइट? उसके बाद हम आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। नाउ व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने आपको पहले भी कहा था दैट ये वो इम्यूनिटी होती है जो कि बेसिकली हम सीखते हैं, अडैप्टिव इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी धीरे धीरे करके सीखती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। देखो हमने क्या पढ़ा था कि हमारी इननेट इम्यूनिटी जो होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती है, वो सबके लिए काम करती है। बेसिकली वो सारे के सारे जितने भी इन्फेक्शन होंगे सबसे आपको बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है, वो किसी एक ही पैथोजन के लिए काम करती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ये याद रख सकते हैं, इनकी क्षमता होती है कि ये याद रख सकते हैं। अब देखो कि अगर आपको एक बार चिकन पॉक्स हो गया,
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पहली बार में तो दिस मीन्स व्हेन अवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन, समझ लीजिए वो चिकन पॉक्स का पैथोजन है, तो जब पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स जिसके हम कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स, पहली बार जब वो चिकन पॉक्स का जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो हमारी बॉडी एक लो रिस्पॉन्स देगी, ठीक है, लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि वो उस पैथोजन के बिहेवियर को, उसके केमिकल नेचर को समझने की कोशिश कर रही होगी, तो इसलिए क्या होगा उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा बॉडी को, तो रिस्पॉन्स भी थोड़ा कम होगा। पहली बार रिस्पॉन्स कहलाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है, तो थोड़ा लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होगा, हमारी बॉडी नहीं समझ पाएगी, ठीक है, तो हमें वो इन्फेक्शन हो जाएगा, तो बॉडी को लगेगा अच्छा ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है, इसने हमारी बॉडी को डैमेज किया है, तो इसके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो, तो वो बहुत लो इंटेंसिटी पे काम हो रहा होता है क्योंकि उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रही होती है हमारी बॉडी, तो इसलिए पहली बार हमें वो इन्फेक्शन हो जाता है, फिर कुछ टाइम बाद हम एंटीबॉडीज लेके मेडिसिन लेके उस बीमारी को ठीक कर लेते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलेक्ट्स अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनमनेस्टिक रिस्पॉन्स। लेकिन पहली बार में तो आपको इन्फेक्शन हो गया, लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद वापस से चिकन पॉक्स का पैथोजन आपको, सिर्फ चिकन पॉक्स एज एन एग्जांपल ले रही हूं, आप कोई भी डिजीज के बारे में बात कर सकते हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जिसको जरूरत हो, राइट, तो अगर पहली बार में तो हमने बहुत ही लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स किया था, हम चीजों को समझ रहे थे, हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर पैथोजन के बिहेवियर को समझ रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब बेसिकली हमारी बॉडी जान गई है, उसने याद कर लिया है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा, अगर नेक्स्ट टाइम ये पैथोजन वापस आएगा तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, तो हमारी बॉडी ने याद रखा, सो इट इज बेस्ड ऑन मेमोरी, याद है आपको। उसके बाद अब क्या होगा, जब सेकेंड टाइम हमारी बॉडी पर अटैक करेगा सेम पैथोजन, तो हमारी बॉडी ज्यादा मजबूत तरीके से, ज्यादा स्ट्रांग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी और उस पैथोजन को वहीं की वहीं खत्म कर देगी, क्योंकि उसे याद है कि पहली बार जब ये आया था हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी को किस तरीके का इन्फेक्शन किया था, तो उस तरीके की एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को, और फिर क्या होता है उसके बाद हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन कई बच्चे बोलेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जब हमारी बॉडी एक तरीके से चीजों को समझ जाती है, याद कर सकती है, ठीक है, तो फिर भी हमें हर बार कॉमन कोल्ड क्यों हो जाता है, बार बार कॉमन कोल्ड क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो क्या करता है, यानी कि कॉमन कोल्ड का जो रेट्रोवायरस वगैरह है, सॉरी कॉमन कोल्ड की जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, बेसिकली क्या करते हैं ये, इनके अंदर म्यूटेशन बहुत रैपिडली होती है, तो हर बार ये किसी अलग शेप में आते हैं तो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और हमें कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, ठीक है, तो वो याद, वो अगर इस बार किसी और रूप में आया है तो हमारी बॉडी ने याद रख लिया, तो नेक्स्ट टाइम इन्फ्लुएंजा वायरस किसी और रूप में आएगा तो हमारी बॉडी फिर कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती है इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, और बाकी के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, बाकी जितने पैथोजेंस होते हैं, हमारी बॉडी मेमोरी पे वर्क करती है, हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी पे वर्क करता है, वो उसको याद रख लेता है। दिस इज अस्क्राइब टू द फैक्ट दैट अवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, यानी कि जब सेकेंड टाइम हमने इतने स्ट्रांग तरीके से उसका सामना किया इन्फेक्शन का, इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारी बॉडी समझ सकती है, हमारी बॉडी याद कर सकती है कि पहली बार क्या हुआ था, तो सेकेंड टाइम वो चीज रिपीट ना हो। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो यहाँ पर हुए हैं वो बेसिकली दो स्पेशल टाइप के सेल यानी कि लिम्फोसाइट्स की वजह से होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट हैं, जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं, और वो दो स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट क्या हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब देखो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बीच में डिफरेंस अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक तो होते हैं, देखो आर्मी में जो पर्सन है, एक होते हैं जो गोली मारने वाले होते हैं, ठीक है, एक होते हैं गोली मारने वाले सोल्जर्स बेसिकली, और दूसरे होते हैं कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं जो सोचते, अब बॉलीवुड के हीरो की याद करो आप, बॉलीवुड के हीरोज कैसे होते हैं, कुछ विलन्स कैसे होते हैं, विलन्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली गन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वेपन्स का यूज करते हैं, लेकिन जो हीरो वगैरह होते हैं चाहे उनके हाथ में गन भी हो, वो उसको फेंक के वन टू वन इंटरेक्शन के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है, फाइट के लिए रेडी रहते हैं, वो सीधा गन नहीं चलाते हैं, वो कहते हैं मैं अपनी बॉडी से ही वर्क करूंगा। तो सेम केस होता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में, कि जो हमेशा गोली मारने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं बी लिम्फोसाइट, और जो हमेशा खुद से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, वन टू वन एक तरीके से लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं, वो होते हैं टी लिम्फोसाइट। अभी जो गोली है ये क्या है, इट इज एंटीबॉडी, गोली इज
एंटीबॉडी आप अगर कहानी की तरह सुनोगे तो आपको याद रहेगा, तो बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन टूवर ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर किसको प्रोड्यूस करती है? प्रोटीन्स की आर्मी को प्रोड्यूस करती है, बहुत सारे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करती है। किसके वजह से? पैथोजन के रिस्पॉन्स में। अगर कोई पैथोजन आया है तो उसे खत्म करना है। उसे खत्म कैसे करेंगे? हम एंटीबॉडीज बना के। और इन एंटीबॉडीज को कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। अब जो टी सेल है, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये खुद लड़ते हैं सामने से जाके, ये गोली वगैरह नहीं चलाते हैं। सो टी सेल देमसेल्फ्स डू नॉट सिक्रीट, टी सेल जो होते हैं वो खुद सिक्रीट नहीं करते एंटीबॉडीज को, बल्कि बी जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनको हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज को बनाने में। सो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और टी सेल जो होती है यानी कि टी लिम्फोसाइट, वो हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाने में, ठीक है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज फोर पेप्टाइड चेन। आप देख सकते हैं यहाँ पर चार पेप्टाइड चेन आपको देखने को मिल रही है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज तो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एनसीईआरटी में ही दिया गया है, ठीक है। नीट के लेवल पे इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। सो गाइस बेसिकली क्या होता है, आपको यहाँ पर ये तो हैवी चेन देखने को मिल रही है और ये लाइट चेन देखने को मिल रही है, ओके। तो दो हैवी चेन होती है, दो लाइट चेन होती है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि दो हैवी चेन होती है, दो लाइट चेन होती है? ये देखिए, ये हो गई दो हैवी चेन। तो हैवी चेन दो बड़ी होती है, दो छोटी होती है, ठीक है। तो हैवी चेन और लाइट चेन कितनी है? 1, 2, दो चेन हो गई, तो L2। ये क्या हो गया? H2L2 का फंडा समझ में आया। और एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप का होता है। किस शेप का होता है? वाई शेप का होता है। क्लियर रहेंगी आपको चीजें? डायग्राम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर चार पेप्टाइड चेन होती हैं, दो स्मॉल होती हैं जिनको लाइट चेन बोलते हैं, दो बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, जिन्हें हम हैवी चेन बोलते हैं। इसलिए एंटीबॉडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 और L2, यानी कि हैवी लाइट। H वाली कौन सी है? जो लंबी है, हैवी है, ठीक है, और जो स्मॉल वाली छोटी वाली है, दे आर लाइट चेन। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि IgA, IgM, IgE, IgG और IgD। क्लियर? आप यहां देख सकते हैं कुछ एंटीबॉडीज का मैंने फंक्शन लिखा हुआ है। IgG, इट इज द मेन एंटीबॉडी type in circulation, it attacks microorganism and their toxin, ठीक है। बेसिकली ये सर्कुलेशन वाले पोर्शन में आपको ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता हुआ नजर में आएगा, और ये क्या करता है? ये माइक्रोऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है और उनके टॉक्सिन्स पे अटैक करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। सेकेंड इज IgA, मेन एंटीबॉडी टाइप इन सिक्रीशन, ये सिक्रीशंस के रूप में आपको मिलेगा IgA, ठीक है। जैसे कि हमने मिल्क वगैरह में देखा था, जैसे कि सच एज सलाइवा, मिल्क, ठीक है, इसके अंदर आपको IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट मिलेंगे, अटैक्स माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर टॉक्सिन। उसके बाद IgE, एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। जो एलर्जिक रिएक्शन होती है, एलर्जीज होती हैं, उनमें कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है? IgE। उसके बाद IgM, एंटीबॉडी टाइप फाउंड इन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन में आपको देखने को मिलेगा। इट इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी जिसके 5 सब यूनिट होते हैं। कितने सब यूनिट्स होते हैं? 5 सब यूनिट होते हैं। अगर पूछा जाए तो ही इसका आंसर आप करेंगे, अदरवाइज आप सिर्फ नाम लिखेंगे। उसके बाद IgD, एंटीबॉडी टाइप फाउंड प्राइमरली एज अ मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन में आपको ये एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। क्लियर? नाउ Because a cartoon of an, अब देखो cartoon of an antibody, cartoon का मतलब है यही फिगर जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Because these antibodies are found in the blood, क्योंकि ये antibodies blood के अंदर पाई जाती हैं, इसलिए the response is also called as, जो अब ये antibodies blood के अंदर पाई गई हैं, तो इनके response को हम क्या कहेंगे? Humoral immune response। Humoral मतलब पहले ही आपको बताया था, blood liquid। इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है, रिस्पॉन्स मतलब किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है। क्लियर? दिस इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ अवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। जो एंटीबॉडी से होता है उसका पहला रिस्पॉन्स है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। जो दूसरे तरीके का रिस्पॉन्स है उसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। पहला तो था एंटीबॉडीज के थ्रू,
ठीक है, और वो किस में था, ब्लड में था, इसलिए उसे कहा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा है सेल के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू, सेल के थ्रू, तो इट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI। द टी लिम्फोसाइट मीडिएट CMI, जो टी लिम्फोसाइट यानी कि टी सेल होते हैं वो आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, वो रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन, जिसको इसका मतलब क्या है कि ऑफनली जब किसी भी ह्यूमन को किसी ऑर्गन की जरूरत होती है, जैसे कि हर्ट, आई, लिवर, किडनी, ये सब अगर फेल हो जाती है, फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ट्रांसप्लांटेशन ही एक आखिरी उपाय रहता है जिससे कि हम पेशेंट को एक नॉर्मल लाइफ दे सके, राइट, क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। वेट अ सेकेंड, देन अ सर्च बिगिन। अब सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन ही एक आखिरी रास्ता बचा है उस पेशेंट की जान को बचाने का, तो हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे कहीं से वो ऑर्गन मिल जाए, ठीक है, एक सुटेबल डोनर। सुटेबल डोनर का मतलब ये नहीं होता है कोई अच्छा दिखने वाला इंसान, सुटेबल डोनर का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपका टिश्यू लेवल मैच करे, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम उसको, अब देखो इम्यून सिस्टम का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी दूसरा सेल आता है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज आती है जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन हमारी बॉडी से डिफरेंट है, हमारी बॉडी से उसका केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, तो हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करेगा। अब उसे ये नहीं पता कि ये ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस है, डॉक्टर ने उस पेशेंट की जान को बचाने के लिए दूसरा ऑर्गन उस बॉडी के अंदर एंटर किया है, ट्रांसप्लांट किया है, उसे बस इतना पता है कि केमिकल कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, तो ये हमारा दुश्मन है, इसे हमें मारना है, ठीक है। व्हाई इज इट दैट द ऑर्गन्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबॉडी, सेम रीजन, हर किसी से हम नहीं ले सकते हैं ऑर्गन्स को, क्यों, बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा, और अगर हमारा टिश्यू सिस्टम केमिकल कॉम्पोजिशन सेम नहीं हुआ तो इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर ऑर्गन को भी खत्म कर देगा, ठीक है। व्हाट इज इट दैट द डॉक्टर्स चेक, डॉक्टर्स क्या चेक करते हैं, देखो आगे आंसर दिया हुआ है, ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, ठीक है, एन एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बींग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर, ठीक है, आप किसी भी एनिमल से, किसी प्राइमेट से, किसी भी ह्यूमन बींग से अगर आप किसी भी तरीके का ग्राफ्ट लेते हैं, यानी कि ऑर्गन अगर आप लेते हैं, तो उसको इट कैन नॉट बी मेड्स, अब उसको आप नहीं ट्रांसप्लांट कर सकते हो, हर किसी का नहीं कर सकते हो, क्यों, बिकॉज अभी या फिर बाद में जो इम्यून सिस्टम है वो उसे रिजेक्ट जरूर कर देगा, तो डॉक्टर्स क्या चेक करते हैं, ठीक है, ये था पहले क्वेश्चन का आंसर, ये था पहले क्वेश्चन का आंसर जो इन्होंने पूछा है, ठीक है, व्हाई इज इट दैट ऑर्गन्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबॉडी, और डॉक्टर क्या ढूंढते हैं, उसका आंसर ये रहा कि टिश्यू मैच होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, ये कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं विच आर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट, यानी कि किसी भी ट्रांसप्लांटेशन के होने से पहले, एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनो सप्रेसेंट, पूरी लाइफ के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट उनको लेते रहना पड़ेगा ताकि इम्यून सिस्टम ढंग से काम ना करे और उनका जो ऑर्गन है उसे रिजेक्ट ना करे, ठीक है, उसे डिस्ट्रॉय ना करे, तो इसलिए ये थोड़ा रिस्की भी होता है कि आप जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बॉडी को रिस्क में तो डाल रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ को बचा रहे हैं, ठीक है, द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि इम्यून सिस्टम को पता है, बॉडी को पता है कि अपने खुद के सेल कौन से हैं और नॉन सेल्फ कौन सा है, ठीक है, अपने खुद के ऑर्गन्स कौन से हैं और दूसरे ऑर्गन्स कौन से हैं, एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांटेशन के रिजेक्शन के लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबल है वो है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, कि हमारा इम्यून सिस्टम जानता है, पहचानता है उन सेल्स को जो हमारी बॉडी की है, क्लियर है बिल्कुल। इसके बाद वेट अ सेकेंड, एक चीज जो है वो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर, वो है एंटीबॉडीज और इंटरफेरॉन्स के बीच में डिफरेंस। मैंने अभी कहा था कि कुछ सेल्स हैं जिनमें से अगर एक को अगर वायरस ने इन्फेक्ट किया तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन वो कुछ प्रोटीन को सिक्रीट करेगा जिसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन, ठीक है, जो दूसरे सेल्स को जाकर के कवर कर लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो ये जो वायरस है ये इनको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, तो एक तरीके से इसको बचा ही तो रहा है, एंटीबॉडी जैसे ही तो काम कर रहा है। लेकिन क्या फर्क है एंटीबॉडी और इंटरफेरॉन में, एंटीबॉडी दीज एक्ट इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर काम करते हैं, और इंटरफेरॉन ये देखो सेल के अंदर तो नहीं गए ना, बाहर से कवर किया है, सो दीज एक्ट आउटसाइड द सेल। एंटीबॉडीज दे आर स्लो एक्टिंग, ये धीरे धीरे काम करते हैं, पहली बार में आपको इन्फेक्शन हो सकता है, सेकेंड टाइम में इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है, सो दे आर स्लो एक्टिंग। अब इंटरफेरॉन दे आर क्विक एक्टिंग, क्योंकि उन्हें दूसरे सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचाना है तो बहुत क्विकली अपना काम करते हैं, सो दे आर क्विक एक्टिंग।
दे एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस. एंटीबॉडीज जो है बैक्टीरिया और वायरस दोनों के अगेंस्ट काम करती हैं, लेकिन इंटरफेरॉन दे एक्ट ओनली अगेंस्ट वायरसेस. उसके बाद देयर एक्शन इन लॉन्ग लास्टिंग इज आएगा यहाँ पर, देयर एक्शन इज लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि लंबे समय तक इनका जो काम है वो चलता रहता है. एंटीबॉडीज जो है अगर एक बार प्रोड्यूस हो गई बॉडी में और फिर वो आपको लंबे समय तक इन्फेक्शन से बचा के रखती है, लेकिन इंटरफेरॉन का एक्शन टेम्परेरी है. कुछ टाइम बाद जब ये वायरस चला जाएगा तो ये जो है ये हट जाएंगे, दूसरा वायरस आएगा वो किसी और सेल को वापस से इन्फेक्ट कर देगा, फिर उस सेल से इंटरफेरॉन निकलेगा और दूसरे सेल को बचाएगा. तो इनका एक्शन टेम्परेरी होता है. क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को एक्वायर्ड, ठीक है, इननेट, इन सब इम्यूनिटी में बिल्कुल अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया हो. अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं. विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.